Hello students, I, Dr. Sweta Chatterjee, Assistant Professor of Department of Economics from the Graduate School College for Women, would like to welcome you all to my online classes. Today, I will discuss about the concept of market. What is a market? Market is a particular space where there are crowd of shops and there are number of buyers and sellers, that is Kreta or Vikreta, assemble to buy and sell goods. Assemble means ekatrit hona. Jahan buyers market ek aisi jagah hai jahan bahut sare dukane hoti hain, aur buyers, a large number of buyers and sellers jo hain wo एकत्रित होते हैं. क्यों एकत्रित होते हैं? टू बाय एंड सेल गुड्स. इन इकोनॉमिक्स द वर्ड मार्केट हैज अ स्पेशल एंड वाइड मीनिंग. और इसको समझने के लिए, मार्केट का इकोनॉमिक्स में मीनिंग समझने के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट रिलेशन और मार्केट सिस्टम का मतलब हम लोगों को समझना है. अब मार्केट रिलेशन का अर्थ क्या होता है? The social, that is सामाजिक और institutional, संस्थागत relation that has historically evolved between buyers and sellers is called market relation in economics. Market system क्या है? The social system of buying and selling goods and factor inputs is called market system. बाजार में हम लोग सिर्फ consumer goods नहीं खरीदते हैं, बल्कि प्रोड्यूसर्स भी, फैक्टर इनपुट्स भी बाजार से खरीदते हैं. इसीलिए बाजार में बाइंग और सेलिंग कंज्यूमर गुड्स का भी होता है और फैक्टर इनपुट्स का. इसलिए इन इकोनॉमिक्स बाई द मार्केट फॉर अ गुड और फॉर अ फैक्टर इनपुट वी अंडरस्टैंड बोथ इज मार्केट रिलेशन एंड मार्केट सिस्टम. अब समझते हैं मार्केट की विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ मार्केट. पहला है प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. देयर आर टू साइड्स इन अ मार्केट फॉर अ गुड. एक है बायर साइड और दूसरा है सेलर साइड. मार्केट में ट्रांजैक्शंस इन दोनों के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू प्राइस रूल. और सेलर, जब तक वस्तु सेलर के पास रहता है तो वो उसका ओनर रहता है. जब बायर उससे खरीद लेता है तो ओनरशिप ऑफ द गुड सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाता है. किसके माध्यम से? परचेज और सेल के माध्यम से, जो अकॉर्डिंग टू प्राइस रूल होता है. अब ये प्राइस रूल है क्या? द सेलर सेल द कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड बायर्स बाय इट. दिस रेफर टू द प्राइस रूल. दूसरा है कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इज अ प्री कंडीशन फॉर मार्केट रिलेशन टू ग्रो बिटवीन देम. इसलिए एक मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच सिंपल फेस टू फेस मीटिंग नहीं होता तो है, साथ में जो कि हम लोग पार्ट है एक डिजिटल इकोनॉमी के लिए, डिजिटल इकोनॉमी का. इसलिए मॉडर्न कम्युनिकेशन के माध्यम से भी बायर्स और सेलर्स के बीच में कम्युनिकेशन देखने को मिलता है. एंड दैट रेफर्स टू द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जो ज़्यादातर लोग हम लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए. तीसरा है establishment of market relation between the different basic units of economic system. Market में हम लोगों को purchasing और selling activities related to consumer goods और factor inputs देखने को मिलता है. Consumer goods की मांग household sector करता है या household करता है, और इसकी पूर्ति producing sector के द्वारा की जाती है. कंज्यूमर सेक्टर का डिमांड हाउसहोल्ड सेक्टर और पूर्ति सप्लाई प्रोड्यूसिंग सेक्टर के द्वारा की जाती है. दूसरी ओर फैक्टर इनपुट्स का डिमांड
प्रोड्यूसिंग सेक्टर जैसे कि फर्म्स द्वारा उत्पादन के लिए किया जाता है, फॉर एग्जांपल लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, जो उत्पादन के साधन हैं, और जिसकी पूर्ति हाउसहोल्ड के द्वारा या घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। इस तरह से अ मार्केट रिलेशन ग्रोस बिटवीन दीज टू बेसिक यूनिट्स। ये दो बेसिक यूनिट क्या है, हाउसहोल्ड और फर्म। चौथा है प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस रूल। एन इक्विलिब्रियम प्राइस इन मार्केट इज डिटरमाइंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जो बायर्स और सेलर है वो इस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं जो मार्केट के द्वारा निर्धारित की जाती है, और अकॉर्डिंगली कितना खरीदना या बेचना है निर्धारित करते हैं। और प्राइस रूल के अंतर्गत नो बायर वुड एक्सेप्ट अ लार्जर प्राइस एंड नो सेलर वुड एक्सेप्ट अ स्मॉलर प्राइस देन वन दैट हैज़ बीन डिटरमाइंड इन द मार्केट। अब आते हैं एक्सटेंट ऑफ अ मार्केट, जिसको आप लोग बोलते हैं बाजार के विस्तार। अब बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व हम लोग ये दो कैटेगरी के अंतर्गत देखेंगे। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमोडिटी, और दूसरा है इंटरनल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। अब ये एक्सटेंट ऑफ द मार्केट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अब किसी वस्तु के विस्तृत बाजार के लिए उस वस्तु की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे। पहला है यूनिवर्सल डिमांड ऑफ कमोडिटी होनी चाहिए, वस्तु की सर्वव्यापक मांग होगा, क्योंकि वस्तु की मांग जितनी व्यापक होगी वस्तु का बाजार उतना ही विस्तृत होगा। दूसरा है पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी में पोर्टेबल जिसको बोलते हैं कि जो वस्तुओं को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से लाई या ले जाई जा सकती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहर, जो भी वस्तु, तो उन वस्तुओं का बाजार व्यापक होता है। मतलब दोज कमोडिटीज विच आर मोबाइल आर पोर्टेबल दे आर हैविंग एन एक्सटेंसिव मार्केट। तीसरा ड्यूरेबिलिटी, वो भी सेम है, जो कमोडिटी ज़्यादा ड्यूरेबल है उसका मार्केट उतना ही एक्सटेंसिव होगा, और जो नष्ट बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है उसका मार्केट उतना विस्तृत नहीं होता है। चौथा है एडिक्वेसी ऑफ सप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ति की पर्याप्तता। इसका मतलब है कि जितना मांग हो रहा है उतना यदि सप्लाई हो तब डिफिशियंसी ऑफ डिमांड नहीं होगा, और यदि सप्लाई डिमांड से मैच नहीं करता है किसी वस्तु की तो उस कारण से एक डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होता है। इस कारण से उस वस्तु की मांग में गिरावट होती है और लोग दूसरे उस वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु का उपभोग करने लगते हैं, जिस कारण से पहले वस्तु की बाजार सीमित हो जाती है। पांचवा है कॉग्निजेबिलिटी, जिसको बोलते हैं शीघ्र बोधिता। इस शीघ्र बोधिता तथा ग्रेडिंग भी वस्तु के बाजार को विस्तृत करती हैं। हम लोग थ्रू एड्स डिफरेंट कमोडिटीज़, डिफरेंट गुड्स को एड्स के माध्यम से हम लोग अवेयर होते हैं और उसको ग्रेड करते हैं, और अकॉर्डिंगली जितना अच्छी तरह से हम लोग वस्तुओं को पहचान पाते हैं उसके माध्यम से जानकारी, उसके गुण दोषों की जानकारी हो जाती है, उन वस्तुओं का बाजार भी विस्तृत होता है। जिन वस्तुओं के बारे में हम लोग को सही इन्फॉर्मेशन या जानकारी रहती है और उसके गुण और दोषों के बारे में हम लोग अवगत रहते हैं। सिक्स्थ है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, स्थानापन वस्तुओं की संख्या। जिन वस्तुओं की स्थानापन
वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उन वस्तुओं का बाजार सीमित होता है, और जिन वस्तुओं का नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होता है उसका बाजार उतना एक्सटेंसिव होता है। अब दूसरा कैटेगरी है जो इंटरनल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। अब देश की आंतरिक दशाओं का प्रभाव बाजार के विस्तार पर बड़े पड़े बिना नहीं रह सकता। कुछ आंतरिक कारणों को हम लोग यहाँ देखेंगे। पहला है यातायात व संवाद वाहन के साधन, दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जितना अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होगा उतना बाजार विस्तार को प्रभावित करने में सक्षम होगा। दूसरा है श्रम विभाजन, जिसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, जितना अच्छा होगा उत्पादन उतना अच्छा होगा, और इस कारण से बाजार में विस्तार भी अच्छा होगा और वो सहायक भी होगा। तीसरा है पीस और सिक्योरिटी। जहाँ इकोनॉमी में पीस और सिक्योरिटी होता है, जिस देश में शांति और सुरक्षा का वातावरण होता है, वहाँ वस्तु के बाजार को विस्तार को अच्छी तरह से वो प्रभावित करता है, उसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। देश की शांति व्यवस्था बाजार का विस्तार करती है, जबकि देश की अशांति बाजार को संकुचित करती है। संकुचित करना मतलब श्रिंक करती है। सो द पीस एंड सिक्योरिटी आर इक्वली डिजायरेबल टू गेट द मार्केट अ मोर एक्सटेंसिव आउटलुक। देन कम्स द स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी एंड साउंड बैंकिंग, दैट इज इक्वली डिजायरेबल। इफ टू मच फ्लक्चुएशन, दैट इज उतार चढ़ाव देखने को मिलती है, यदि करेंसी की वैल्यूज में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलती है, या बैंकिंग सिस्टम उतना स्टेबल नहीं होता है, सुदृढ़ नहीं होता है, मॉनिटरी पॉलिसी उतना सुदृढ़ नहीं होता है, और अस्थिरता इकोनॉमी में देखने को मिलती है, तो इस कारण से बाजार संकुचित हो सकती है। तो इसी प्रकार कुशल बैंकिंग प्रणाली से व्यापारियों को पर्याप्त साख उपलब्ध करवाने हेतु बाजार का विस्तार हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पांचवा है साइंटिफिक बिजनेस मेथड, व्यापार का वैज्ञानिक तरीका, जिसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है टू हैव अ एक्सटेंसिव मार्केट। सिक्स्थ है कमर्शियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कर प्रणाली बोलिए, स्वतंत्र व्यापार नीति बोलिए, जो जितना अच्छा होगा एक राज्य से दूसरा राज्य या एक देश से दूसरा देश में जो आदान प्रदान होगा वस्तुओं का, जिसके कारण से आयात और निर्यात में वृद्धि होगी, इस कारण से मार्केट एक्सटेंड करेगा और मार्केट में विस्तार देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के आधारों को देखेंगे, बाजार का वर्गीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल स्प्रेड, जिसमें हम लोग लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे। लोकल मार्केट एक छोटा मार्केट होता है, जहां हम लोग जो नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जैसे फिश, एग्स, वेजिटेबल्स, या हेवी वस्तु कुछ होते हैं जैसे सैंड, ईंटा, तो उस जो का हम लोग मार्केट में सेल और परचेज करते हैं, और इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो सबसे स्मॉल, सबसे छोटा होता है। रीजनल मार्केट का जो एरिया कवरेज होता है वो लोकल मार्केट से ज़्यादा होता है, और यहाँ जो मूल्य निर्धारण होता है वो डिमांड और सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी का एक स्पेसिफिक रीजन और स्टेट के अंतर्गत होता है। लोकल मार्केट में लोकल मार्केट के अंतर्गत होता है प्राइस निर्धारण, जबकि रीजनल मार्केट में प्राइस जो निर्धारण होता है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन और स्टेट के अंतर्गत होता है। नेशनल मार्केट, जैसे कि टर्म बोल रहा है, यहाँ जो प्राइजेस ऑफ गुड्स
ओवर डिफरेंट रीजन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलती है। और ये किसके द्वारा निर्धारित होती है? ये डिमांड एंड सप्लाई फॉर द होल कंट्री के अंतर्गत निर्धारित होती है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, जहां मार्केट ऑफ गुड्स जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है और बाहर के को बेचा जा रहा है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, या कुछ ऐसे गुड्स जो उत्पादित हो रहा है कंट्री में एक्सपोर्ट होने के लिए, इन वस्तुओं का मूल्य जब नेशन मतलब जब नेशनल लेवल पे होता है तो वो नेशनल मार्केट के अंतर्गत होता है और वो बोला जाता है दे आर नेशनल प्राइसेस। और जब ये प्राइसेस को हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के आधार पे करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट इंटरनेशनल लेवल पर आधारित होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स बॉट एंड सोल्ड, जो सिंपल बहुत सिंपल है। जैसे जूट यदि प्रोडक्ट्स का मार्केट है उसको हम लोग जूट मार्केट बोलेंगे, सुगर का होगा तो सुगर मार्केट, वो स्पेसिफिक जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रहा है, जिस कमोडिटी का सेल एंड परचेज हो रहा है जिस मार्केट में, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देखेंगे। जैसे सुगर मार्केट हुआ, गोल्ड मार्केट हुआ, लेबर मार्केट, फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, शेयर बाजार हुआ, शेयर मार्केट। तो सम ऑफ दिस मार्केट्स आर नेशनल मार्केट्स, सम कुछ कैटेगरी में आ रहे हैं रीजनल और लोकल मार्केट्स के कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ टाइम, समय के अनुसार, जिसमें हम लोग चार कैटेगरी देख रहे हैं। एक है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, इसमें द लेंथ ऑफ टाइम अलाउड इन दिस मार्केट फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट के लिए है वो बहुत ही छोटा होता है। देयरफॉर इस कारण से जो सप्लाई है वो कांस्टेंट होता है और जो प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड के कारण होता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होता है? द लेंथ ऑफ टाइम इज लॉन्गर देन द वेरी शॉर्ट पीरियड। हियर The firm can bring changes in the supply of output by using more or less of variable inputs like raw materials, fuel and labor, while the use of fixed input is kept constant. मतलब variable inputs के supply में हम लोग changes ला सकते हैं, लेकिन fixed inputs constant होगा। तीसरा है long period market। यहाँ जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है द लेंथ ऑफ पीरियड लॉन्ग होता है और फर्म जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है क्वांटिटीज बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स इनपुट्स का। और इन लॉन्ग पीरियड सप्लाई प्लेस, दोनों सप्लाई और डिमांड दोनों एक एक्टिव रोल प्ले करता है प्राइस निर्धारण करने में। चौथा है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। द वेरी लॉन्ग पीरियड इज सो लॉन्ग that there may be a change of age. The new age may witness notable changes like population change in changes in population of country, taste and preferences, habits of the people, qualitative changes in technology and social institution and organization. So in the ये जो very long period है, जैसे हम लोग का economy जो 10 साल पहले था और जो अभी है उसमें आप लोग नोटेबल चेंजेस देख सकते हैं। और ऑल दिस चेंजेस मे हैव अ फुल इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो ऑन देयर डिमांड एंड प्राइस। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण। उसका दो कैटेगरी है, फेयर मार्केट और इलीगल मार्केट। फेयर मार्केट मतलब यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द सेल्स एंड परचेजेस ऑफ द कमोडिटीज इन द मार्केट, इसलिए लोगों का भरोसा रहता है कि जो कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, इसीलिए कंज्यूमर एक फेयर प्राइस एक्सपेक्ट करता है वस्तु के खरीदारी में। इलीगल मार्केट क्या है? इन दिस मार्केट द प्राइस of the goods charged are more or less than fixed by the government. इसमें government के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर सेल नहीं किया जाता है
और इसको हम लोग अवैध बाजार के नाम से जानते हैं। पांचवा कैटेगरी, पांचवा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन। इसमें हम लोग परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट्स देखते हैं और नॉन परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट देखते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस हर एक मार्केट को हम लोग पढ़ेंगे, परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डियोपोली, मोनोपसनी, बायलैटरल मोनोपोली, इन सभी मार्केट्स का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग सेशन में, आज के सेशन में आशा करती हूँ कि मार्केट क्या है आपके लिए क्लियर होगा। ये रेफरेंसेस हैं एंड थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।